जब रात के अंधेरे में 5,000 परिवारों ने एक साथ खाली कर दिया था अपना बसा बसाया गांव। कहानी राजस्थान के कुलधरा गांव की है जो हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे। रहस्यमयी, दिलचस्प और अनसुनी कहानी शुरू होती है 200 साल पहले। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बसा कुलधरा एक समृद्ध गांव था। यहां पालीवाल ब्राह्मण रहते थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। कहानी शुरू होती है दीवान सालम सिंह से, जो रियासत का अधिकारी था। उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो कुलधरा गांव की थी। दीवान किसी भी कीमत पर उस लड़की को अपना बनाना चाहता था। इधर गांव वालों ने दीवान की नीयत को भांप लिया था। बात सिर्फ लड़की के सम्मान की ही नहीं, गांव के स्वाभिमान की भी थी। गांव वालों ने एक बैठक बुलाई और 5,000 परिवारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो रात के अंधेरे में गांव छोड़ देंगे। जाते जाते ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दे दिया कि ये गांव कभी नहीं बसेगा, और वाकई कुलधरा आज तक नहीं बसा। कुलधरा धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता चला गया। आसपास के गांव तो फिर भी बसे, लेकिन ये गांव जैसे का तैसा पड़ा रहा। किस्से ऐसे भी हैं कि यहां लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी कुलधरा की खाली सड़कें और वीरान घरों में उस समय का रहस्य दबा है, जिसकी खोज लोग आज भी करते हैं। कुलधरा जहाँ इतिहास और रहस्य मिलते हैं, और हर कोना एक कहानी बयां करता है। इस रहस्यमय गांव को अगर आप भी पास से देखना चाहते हैं, तो पहुंच जाएं राजस्थान के जैसलमेर जिले में। कुलधरा वहां से महज 17 किलोमीटर दूर है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें लोकलिटी।